खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं कि एनसीपी के 5 लापता विधायकों में से 3 विधायक दिल्ली से मुंबई पहुंच रहे हैं। इनके नाम अनिल पाटिल, दौलत दरोड़ा और नितिन पवार हैं। ये तीनों दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं, यानी अब केवल 2 विधायक अजीत पवार के साथ रह गए हैं, एक वो खुद और दूसरे अन्ना बनसोड़े। इस वक्त की बड़ी खबर, शरद पवार खेमे में 3 और विधायक जुड़ गए हैं और अब अजीत पवार खेमे में सिर्फ 2 ही विधायक रह चुके हैं, एक वो खुद और एक अन्ना बनसोड़े। इस वक्त की बड़ी खबर, शरद पवार खेमे में 3 और विधायक लौट चुके हैं। यही वजह है कि लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। बड़ी खबर है कि एनसीपी के 5 लापता विधायकों में से 3 विधायक दिल्ली से मुंबई पहुंच रहे हैं और तीनों के नाम जान लीजिए, अनिल पाटिल, दौलत बरोड़ा और नितिन पवार। ये 3 विधायक जो अब दिल्ली से मुंबई की ओर जा रहे हैं, यानी अब केवल 2 ही विधायक हैं जो अजीत पवार के साथ रह गए हैं, वो खुद और दूसरे अन्ना बनसोड़े। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से लगातार इसी मुद्दे को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि आनन फानन में शपथ जरूर ले ली गई है लेकिन फ्लोर टेस्ट में ये फेल हो जाएंगे क्योंकि इनके पास वो आंकड़े हैं ही नहीं जो जरूरी है। आंकड़े तो हमारे पास है। और इस बीच बड़ी खबर ये कि 3 और विधायक शरद पवार के खेमे में वापस लौट रहे, ये विधायक दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में अब शरद पवार खेमे का संख्या बल और बढ़ चुका है। शरद पवार खुद सतारा के लिए रवाना हुए हैं लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उनके खेमे में 3 और विधायक वापस लौटे हैं जो कि दिल्ली से मुंबई अब जा रहे हैं, यानी अजीत पवार खेमे में अब सिर्फ 2 ही विधायक बचे। तो ये वो तस्वीरें, मैं जितना समझ पा रही हूं एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, बिल्कुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। इनमें वो विधायक शामिल हैं जो अब दिल्ली से मुंबई वापस जा रहे हैं शरद पवार खेमे में, क्योंकि ज्यादातर विधायकों ने सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही है कि उन्हें धोखे से बुलाया गया था और वो शरद पवार के साथ है ना कि अजीत पवार के साथ। तो ऐसे में इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि शरद पवार खेमे में 3 और विधायक जुड़ गए हैं जो अब दिल्ली से मुंबई की ओर रवाना हो गए।